अपनों की गलतियां देखना थोड़ा मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप उन्हें चाहते हैं और प्यार भरी निगाहों से देखते हैं, तो उनकी खामियां भी कहीं ना कहीं प्यार के उस पर्दे में कैमोफ्लाज हो जाती हैं। लेकिन चाहत इस बात में नहीं है कि आप उनकी गलतियों को छुपाएं, प्यार इस बात में है कि आप उनको उनकी गलतियों का एहसास दिलाएं और सही राह दिखाएं। जो करना चाहती है हमारी नायरा, ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं। जी हाँ, नायरा को हो गया है शक कि आखिरकार त्रिशा की किडनैपिंग में लवकुश का हाथ है। लेकिन यही बात सुनकर चाची जो हैं वो एकदम भड़क गई हैं। नायरा रोती बिलकती अपने घर पर आई है। कार्तिक उसे जबरन घर ले आया है, क्योंकि नायरा तो त्रिशा के पास ही रहना चाहती थी। वो अस्पताल में जो है अकेली है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। और उसके पीछे खड़े लव कुश भी कुछ रोए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए। और देखिए, नायरा ने अपना शक परिवार के सामने जाहिर भी कर दिया, मगर लव कुश की मम्मी ने जोरदार विरोध करके अपने बच्चों को बचा ही लिया। मॉम हमेशा हम लोग की साइड लेती है। एक्चुअली स्टार्टिंग से ये बिल्डअप हुआ है कि वो हम लोग से बहुत 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 प्यार करती है। उनको लगता ही नहीं कि हम लोग कुछ गलत कर सकते हैं, और हम लोग भी इस गिल्ट में, और हम लोग के साथ लक है, हम लोग की माँ है, तो हर बार हम लोग बच ही जाते हैं, तो इस बार भी हम लोग बच ही गए। अगर जब उसके बच्चे पे बात आती है तो वो किसी से भी लड़ सकती है, मतलब चाहे वो पति हो, चाहे वो घर में कोई भी सदस्य हो। तो वही एक सीन आया है कि जब बात आती है मेरे बच्चों पे कि उसने कुछ किया है, उन लोगों ने कुछ किया है, तो बेशक मैं तो लड़ूंगी, मैं बात करूंगी, मैं पूछूंगी, मेरा पूरा हक बनता है हर चीज जानने का, बिकॉज वो मेरे बच्चे हैं। नायरा को शायद कोई लॉकेट मिला है जिसके कारण उसे लवकुश पर शक हुआ है, मगर इस बात को लेकर फैमिली में बवाल भी हो गया है। इसी कारण नायरा कार्तिक थोड़े डरे सहमे हुए हैं, मगर उनसे ज्यादा लवकुश, क्योंकि आज नहीं तो कल सच तो सामने आएगा ही। मुंबई से नेहा सावंत के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।